हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के आधार पर पहचान किया जाता है, यानी कि एक आरबीसी कितने टाइप के होते हैं और कैसे दिखता है हमारे अलग अलग टाइप के मॉर्फोलॉजी में। तो इस वीडियो में मैं ये सब बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी मेरा नया वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। इस वीडियो को एक बार भी आप स्किप मत करना और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो फ्रेंड, आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये जो देख सकते हैं ये होता है नॉर्मल आरबीसी, लेकिन जब इसका शेप और साइज चेंज होता है तो क्या बोलते हैं उस आरबीसी को, उसके बारे में आपको मैं आइडेंटिफाई कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है, इसकी मत करना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो से और लगे रहो इस वीडियो को, आज कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे आप लोग। तो पहला आप देख सकते हो ये टीयर ड्रॉप सेल्स, यानी जिसको डेक्ट्रोसाइट भी बोलते हैं हम लोग। तो इस स्थिति में आरबीसी का जो शेप होता है वो एक टीयर की तरफ हो जाता है, यानी हल्का सा बूंद की तरफ देख सकते हो, इस तरह से इसका आकार हो जाता है, जिसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप सेल्स। और इस तरह से आप देख सकते हो इसको दोस्तों। लेकिन ये कौन सी स्थिति में होता है, ऐसे क्या कारण होते हैं टीयर ड्रॉप सेल होने का, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी बीमारी में टीयर ड्रॉप सेल देखने को आपको मिल सकता है, कौन से स्लाइड में ऐसी स्थिति हो सकता है दोस्तों। तो पहले आप पहचान करो कि ये होता है टीयर ड्रॉप सेल्स, यानी जब आरबीसी का आकार ऐसे बूंद की तरफ अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम टीयर ड्रॉप सेल्स। हमेशा ऐसे ही पहचान करना है इसको दोस्तों। अभी आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ इसको। अभी ये देख सकते हैं नेक्स्ट है टारगेट सेल्स, यानी कि जब आरबीसी के सेंटर में एक पिलर टाइप का पर्पल कलर का एक पिलर टाइप का टारगेट हमको दिख रहा है, जो आप देख सकते हैं इंडिकेटर पे, इसको बोलते हैं टारगेट सेल। ये भी कौन सी स्थिति में होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगा, पूरी विस्तार से मैं आपको बताऊँगा। अभी आपसे पहचान करना सीखो कि आरबीसी का मॉर्फोलॉजी अगर ऐसा दिखे आरबीसी तो ये टारगेट सेल होता है, पर होता क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख सकते हैं मैक्रोसाइट, यानी एक साइड में आप देख सकते हो नॉर्मल आरबीसी, दूसरे में देख सकते हो अब नॉर्मल यानी मैक्रोसाइट। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जब भी नॉर्मल आरबीसी से आरबीसी का आकार अगर बड़ा हो जाता है तो ये होता है मैक्रोसाइट, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइट। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये साइड में आपको देखने को मिल रहा है नॉर्मल आरबीसी, लेकिन कुछ आरबीसी बड़ा हो जाए, क्या रीज़न है, तो अधिकांश पेशेंटों में और विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। इसके और भी बहुत सारे रीजन है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सिर्फ पहचान करो आज कि मैक्रोसाइट इसको बोलते हैं, यानी कि अपने आकार से बड़े आरबीसी को। अब आता है सिकल सेल। दोस्तों, ऐसे क्या कारण होता है कि जो हमारा नॉर्मल आरबीसी सिकल के रूप लेता है, यानी कि पतला हो जाता है, एक मिर्ची टाइप का समझ लो या चंद्र आकार का समझ लो आरबीसी, उस आकार में अगर दिखे तो हम इसको सिकल बोलते हैं। ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से सिकल होता है, मोस्टली हम क्या करते हैं कि एनीमिक पेशेंट में सिकल देखने को हमको मिलता है, लेकिन रीजन क्या है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने को मिलेगा। तो बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है अगली, आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, माइक उसको भी चालू रखो, प्रैक्टिस करो, कुछ समझ में आए तो नीचे कमेंट करो, मैं कमेंट करके आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट जो आरबीसी होता है माइक्रोसाइट, यानी कि अपने नॉर्मल शेप से आरबीसी का आकार अगर छोटा हो जाना, सिकुड़ के छोटा हो जाना, उसको बोलते हैं माइक्रोसाइट। ऐसे क्या रीजन है जो माइक्रोसाइट होता है, तो इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप सीखो कि माइक्रोसाइट होता क्या है, क्यों इसको इस आरबीसी को माइक्रोसाइट बोलते हैं, यानी कि अपने नॉर्मल शेप से जब आरबीसी का आकार छोटा हो तो इसको बोलते हैं हम माइक्रोसाइट। तो ऐसे पहचान किया जाता है माइक्रोस्कोप पे, उसके शॉर्टकट फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहो। अब ये देख सकते हो पोइकिलोसाइट, यानी कि एक स्लाइड में भिन्न भिन्न टाइप के आरबीसी जो हमें दिखते हैं, जिसमें टारगेट हो, पेंसिल हो, टीयर ड्रॉप सेल्स हो, सब हो, तो उसको बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। तो ये पहचान होती है पोइकिलोसाइट, यानी कि बहुत ही टाइप की आरबीसी हमें दिखे तो उसको बोलते हैं पोइकिलोसाइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।